बहुत कहते हैं मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था यहाँ पे दोनों कप्तानों के इंटेंट का। देखें रोहित ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को दावत दी तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया एक कम टोटल पे, ठीक है। अब बाबर की बैटिंग की थोड़ी सी बात करूँगा, इंटेंट एज अ कैप्टन यू नो जिस तरह वो खेले नज़र आ रहा था क्लियरली कि बाबर का नेचुरल गेम नहीं है, क्लियरली नज़र आ रहा था। विकेटों के अंदर खड़े होकर खेले थे, कहीं भी चांस नहीं ले रहे थे। दोनों का आप अगर देख लेंगे, बाबर ने 50 रन तो ज़रूर किए, 58 बॉलें ली उसने। Whereas रोहित जब आया बैटिंग करने, वो तो मैं कह रहा हूँ इसको एक सेटल पिच मिली थी, सेटल सिचुएशन मिली थी, 41 के ऊपर पहली विकेट गिरी थी, इसको आके वहाँ पे फ्लो को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए था या थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था। रोहित नए बॉल के ऊपर आते ही जिस तरह की उसने हिटिंग की है, वन साइडेड मैच करके, ये जो इंटेंट होता है ना ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है टीम के अंदर ये चीज। जी बिल्कुल, आप जरा देखें पहला बॉल था, ये पहला गेंद था, कोई उन्होंने लिहाज नहीं बोल रहा हूं ना, तो ये चीजें फिर रिफ्लेक्ट करती है ना टीम के अंदर के भाई। मोइन अनदर वन गुड पॉइंट, अनदर वन, अब जैसे पहली बॉल पे चौका पड़ा है शाफी जी के, उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरा बॉल अंदर नहीं आएगा तो मुझे पहले एक दो बॉल अगर शॉट लगेगी तो लगेगी टुवर्ड्स स्क्वायर लेग एंड दैट टू बिहाइंड लेग अंपायर, तो आप फाइन लेग को उधर ले जा सकते हो, मिड विकेट वाला फाइन लेग पे ले जा सकते हो पहली दो गेंदों के लिए, तीन गेंदों के लिए। मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, ये शुभमन गिल हालांकि वो सिर्फ 16 रन बना के आउट हो गए, चार चौके मारे उन्होंने उस 16 रन के, वो सारे के सारे देयर ऑल बाउंड्रीज राइट, इंटेंट एंड इंटेंट एंड इंटेंट। देखिए अगर हम बाबर को कंपेयर करेंगे रोहित शर्मा से या रोहित शर्मा को उससे, इट डजंट मेक सेंस मुझे ये लगता मैं है। मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा, जो इंटेंट होता है ना कप्तान का वो बड़ा रिफ्लेक्ट करता है वो चीजें सारी टीम के अंदर, यू नो जिस तरह कप्तान, आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखें विराट कोहली आगे 10 से 15 बॉलें लेते हैं फिर वो बाद में कैच अप करते हैं, ऐसे ही बाबर का वे ऑफ प्लेइंग उससे आप मिला सकते हैं, ही टेक्स फ्यू बॉल्स टू गेट सेटल्ड एंड देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग।